रामायण सबसे खूबसूरत और सबसे पवित्र रचनाओं में से एक है। जैसा कि हम सबको ये पता है कि आज से कुछ 30,000 साल पहले वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, यानी कि इस महान ग्रंथ को संस्कृत में लिखा था। ऐसा माना जाता है कि रामायण जिसने भी पढ़ी उसको जीवन जीना आ गया, यानी कि लाइफ को किस तरह से जीना चाहिए उसने ये सीख लिया। अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस रखना है, उसमें क्या ऐसे नियम होने चाहिए जो आपको एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, ये सारी ही सीख हमें सिर्फ इसे पढ़ने से ही मिल जाती है। रामचरितमानस में ये भी लिखा गया है कि सही रास्ते पर चलते हुए कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर उससे घबरा कर हमने अपने रास्ते को बदल दिया या गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दिया तो इससे हमें न जाने कितनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम गलत रास्ते पर चलते हुए गलत काम करने लग जाते हैं। वैसे आपने ये बात कई लोगों से सुनी होगी कि झूठ बोलना और गलत रास्ते पर चलना आसान होता है, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर बने रहना और सही रास्ते पर चलना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है वो हमेशा ही एक महान इंसान बनकर सामने आता है। अब हम अगर हिस्ट्री भी उठाकर देखें तो जितनी भी नामचीन हस्तियां हमारे सामने आती हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह, ये सब नाम हमें यही बताते हैं कि हाँ, सही रास्ते पर चलने वाला इंसान हमेशा एक महान इंसान कहलाता है। ठीक ऐसे ही न जाने कितने ही सालों से हम रावण के बारे में सिर्फ एक ही नजरिया अपनाए हुए हैं कि हमें रावण जैसा नहीं बनना है, क्योंकि वो हमारी नजरों में एक बुराई के प्रतीक की तरह सामने आए। जबकि ये बात सही है कि हमें रावण जैसा नहीं बनना है, यानी कि रावण जैसा बुरा नहीं बनना है, लेकिन उस बुराई के अलावा रावण के अंदर अनगिनत अच्छाइयां भी थी, और अगर उन अच्छाइयों को हम अपनाएं तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, और इस बात को स्वयं प्रभु श्री राम भी जानते थे। रावण यानी कि दशानन भी इन्हीं बातों का ध्यान रखते थे और बचपन से ही अपनी ही उम्र के बच्चों के साथ खेलने कूदने और नादानियां करने की उम्र में भी वो एक अलग ही सोच रखते थे। अपने पिता की ही तरह हवन, यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। वो सबका ध्यान रखते थे और हमेशा ही सही रास्ते पर चलते हुए कभी भी अपनी आंखों के सामने किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते थे, भले ही उनके साथ किसी का रिश्ता हो या ना हो। लेकिन जहां पर दशानन के लिए सभी लोग एक अच्छा नजरिया रखते थे, वहीं पर कोई था जो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता था, जबकि वो उन्हीं के परिवार का सदस्य था। आमतौर पर ज्यादातर लोगों को दशानन के दो भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के बारे में ही पता है, लेकिन कई धर्म ग्रंथों में ये भी पाया गया कि दशानन के दो सगे भाइयों के अलावा रावण का एक सौतेला भाई भी था, जिन्हें हम कुबेर के नाम से जानते हैं। रामायण के हिसाब से महर्षि बुलत से ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनकी शादी राजा तृणबिंदु की पुत्री से हुई थी और उन्हीं के पुत्र थे महर्षि विश्रवा। विश्रवा का विवाह महामुनि भारद्वाज की पुत्री इडविडा के साथ हुआ और महर्षि विश्रवा के पुत्र का नाम वैश्रवण रखा गया। वैश्रवण का ही एक नाम कुबेर है। महर्षि विश्रवा की एक और पत्नी थी जिनका नाम कैकसी था। वो राक्षस कुल की थी और उन्हीं के पुत्र थे दशानन, कुंभकर्ण व विभीषण का जन्म हुआ। तो ये बात सच है कि कुबेर और दशानन भाई थे, लेकिन इनका रिश्ता वैसा नहीं था जैसे दशानन के बाकी दोनों भाइयों से था। और अब आपको ये सुनकर और भी हैरानी होगी कि जो सोने की लंका थी, जिसे हम रावण की सोने की लंका के नाम से जानते हैं, वो कुबेर की थी। हो गए ना अब भी हैरान? कुबेर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और ब्रह्मा जी ने उन्हें उत्तर दिशा पर राज करने और वहां के धन का अध्यक्ष बना दिया था। ऐसा समझ लो कि कुबेर उत्तर दिशा के ओनर और फाइनेंस मिनिस्टर हो गए थे। साथ ही ब्रह्मा जी ने अपने मन की गति से चलने वाला एक पुष्पक विमान भी कुबेर को दिया था। तो इतना सब होने के बाद
सोने की लंका को कुबेर ने अपने लिए ही बनवाया था, लेकिन अपने पिता के कहने पर कुबेर ने सोने की लंका अपने भाई दशानन को दे दी और कैलाश पर्वत पर अलकापुरी को बसाकर वहीं रहने लगे। लेकिन दशानन जब दुनिया को जीतने के लिए निकले तो उसने अलकापुरी पर भी हमला किया और कुबेर को हराकर उसका पुष्पक विमान छीन लिया। कुबेर राजाओं के अधिपति थे, यानी कि वो सभी राजाओं को आदेश देते थे और धन के स्वामी भी थे। वे देवताओं के धनाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि जितना भी धन देवलोक, दैत्यलोक या पृथ्वी लोक पर था वो कुबेर की ही देन थी। इसीलिए इन्हें राजा धीराज भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि दशानन और कुबेर की आपस में कभी नहीं बनी। कुबेर हमेशा ही दशानन के लिए मुसीबतें खड़ी करते थे, लेकिन भाई होने के नाते दशानन उन्हें हमेशा माफ कर दिया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने हमेशा दशानन को बुराई के नजरिए से देखा, जबकि उनका एक अलग रूप भी था जिसे सिर्फ प्रभु श्री राम ही देख पाए थे। अब जैसे रामचरितमानस में भी आपने ये जरूर पढ़ा कि राम सेतु बनाकर राम जी वानर सेना के साथ लंका तक पहुंचे थे, है ना? लेकिन लंका में पहुंचने से पहले उन्होंने जो पूजा की थी, उस पूजा से जुड़ा सच हमने शायद ही कभी जाना हो। और इससे भी बड़ी और चौंका देने वाली बात ये थी कि प्रभु श्री राम की जीत के पीछे भी दशानन का ही हाथ था। जानकर एक बार फिर से हैरानी हुई ना।